भारत माता की। सभी से अपील है कि आप अपने प्रस्थान ग्रहण करें। आज के हमारे चीफ गेस्ट श्री मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री दिव्यकिशोर शर्मा जी, रविंदर रैना जी, डॉक्टर मनोज सिंह जी, हमारी महिला मोर्चा पूरा हमारे सामने बैठा है, हमारी नीना मैडम जी, संगीता शर्मा जी, डाली मैम और सब जितने भी सब लोग हम बहुत बहुत सबके आभारी हैं। वो दो मिनट के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ जाएंगे और जो हाल है उसका वो निरीक्षण करवाएंगे। आज जो हमारे बीच हमारे अध्यक्ष श्री रविंदर रैना जी हमारे बीच पहुंचे हैं और जगह जगह पर आज कितने बड़े प्रोग्राम किए हैं, बहुत ही बढ़िया। जो आज आपने देखा पुल का निर्माण होने जा रहे हैं, इतने इतने बड़े पुल के निर्माण होने जा रहे हैं, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की देन है। हमारे जम्मू कश्मीर की आन बान शान श्री रविंदर रैना जी, इनके सहयोग से आज जो हर जगह इतने बड़े कार्य हो रहे हैं इनकी बदौलत, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कारण, तो आप इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं दो मिनट के लिए गणेश जी को बोलूंगा कि दो मिनट के लिए मंच पर आए और जल्दी जल्दी प्रोग्राम को हमने समाप्त करना है, क्योंकि अध्यक्ष जी ने आगे भी जाना है। और जो पिछले दिनों हमारे को 5 लाख रुपए की सुविधा दी थी एमपी साहब ने, और हम ये फाइनल क्या के रख रहे हैं, प्लीज इस हाल का जो लंटर है वो आपके ऊपर है गणेश जी। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना स्थान ग्रहण करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मंच पर विराजमान ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मानपाल विराजमान, प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंदर रैना जी, डीडीसी संगीता शर्मा जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मीना शर्मा जी, आप सभी का इस्लाम के पवित्र धरती में हार्दिक स्वागत है। और मैं जरा लंबा समय ना लेता हूँ, शॉर्टकट ही करूँगा। हम आज लंबी डिमांड नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही डिमांड है एमपी साहब। इनका पहले वो करो इसके लिए, फिर अगली बात बाद में। एक मिनट सर, मैं एमपी साहब को बताना चाहूंगा कि जो ये हमने मंदिर बनवाया है इसमें 80 लाख तक लागत लगी है हमारी, और हमने किसी पार्टी से कोई डोनेशन नहीं ली, सिर्फ अपनी ही बिरादरी से हमने जो सर्विसमैन है उनसे 5,000, जो एक्स सर्विसमैन है उनसे 3,000, और जो मजदूर था उसे 1,000 दे। 2 साल लगे हमें यहाँ पहुंचने में, और मैं एमपी साहब से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज जो आप नहीं सर प्लीज सर एक रिक्वेस्ट माता की। स्पीकर क्या करना, बोलिए श्री गुरु रविदास जी महाराज की। हाथ खड़ा करके श्री गुरु रविदास जी महाराज की। साथियों इधर आओ इधर बैठो। बस साथियों, मैं यहां लाम लड़ोका की इस पवित्र सरजमी पर श्री गुरु रविदास जी के इस भव्य मंदिर निर्माण के लिए मंदिर की कमेटी, इस मैनेजमेंट में लगे साथी और जिन्होंने भी इस भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया है, मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं और उनको मुबारकबाद भी देता हूं। यही सच्चा काम है इस दुनिया में, यही। मुझे याद है जुगल किशोर जी, जब मैं एमएलए बना 13 लाख रुपया मैंने अपने फंड से इस मंदिर निर्माण के लिए मंजूर किया था, पैसा रिलीज भी किया था, पैसा आ भी गया था, लेकिन कुछ जमीन का कुछ मसला था, वो जमीन मंदिर के नाम से ट्रांसफर नहीं हो पाई और वो
बाद में गणेश जी और सब जानते हैं। इसका मतलब यह है कि हम भी पर्सनली इस मंदिर से जुड़े। यहां पानी की दिक्कत थी, हमने पानी का सिस्टम ठीक किया। नानक जी हमारे साथी सहयोगी, गणेश जी, भारत जी, विक्की जी, मिश्रा जी सब जानते हैं। और यहां भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा, जहां आपने माल्यार्पण किया है, मैं सच में इस टीम को, यहां के लोगों को मुबारकबाद देता हूं। आप सच में ईमानदारी से काम करते हैं, दिल से लगन से काम करते हैं। साथियों, हमारे मेंबर पार्लियामेंट श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब, जिन्होंने हमेशा हमारी खिदमत की दिल से, जो कहा आज शहीदगढ़ गुरुद्वारा में करोड़ों रुपए के जल जीवन मिशन की स्कीम को शुरू करके आए थे, जिससे किला दराल, तुअत्ता, शहीदगढ़ पीने के पानी की प्रॉब्लम्स दूर होगी। बॉर्डर के ऊपर हमने बंकर्स बनाए, बिजली, लोहा कट्ठा रोड, कमीला कोट रोड, और यहां श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की याद में जो किला दराल बस डूब गई थी, वहां 5 करोड़ का पुल, उससे पहले तलिया नौशहरा का 8 करोड़ रुपए का पुल, इसके बाद मानपुर ननियाल में ये काम हमारी सरकार ने किए, हम सब ने मिलकर किए, आज जबरदस्त डेवलपमेंट हो रही है। मेरे साथियों, हमारे बीच जुगल किशोर शर्मा साहब है, हमारे मेंबर पार्लियामेंट है। पिछले दिनों हमारे यहां के कुछ साथी गणेश जी, भारत जी मेरे पास आए, मैं जुगल किशोर शर्मा साहब के पास गया, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जुगल किशोर जी को। उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, 1 मिनट, और अपने एमपी फंड से एक बड़ा सहयोग अपनी उस फंड के मुताबिक इन्होंने यहां किया है। मैं इसके लिए जुगल किशोर शर्मा साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। जुगल जी, ये लोग आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, ये मशहूर हैं आपके, और हम चाहते हैं, आपने बहुत योगदान किया है अपने एमपी फंड से, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका कुछ काम पेंडिंग और तेजी के साथ पूरा हो, और हम चाहते हैं इन नौजवानों पर, इन लोगों पर आपका थोड़ा और आशीर्वाद हो जाए। और हमें यकीन है आप बादशाह भी, दिल के भी बादशाह हो, काम के भी बादशाह हो। जोरदार तालियों के साथ जुगल किशोर शर्मा साहब, जोरदार तालियों के साथ। बोलो गुरु रविदास महाराज की।